अच्छा चलें बस करें, इतना रोना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। आंखें सुजा ली आपने तो, ये नहीं देख रही कि शौहर इतने दिन बाद घर पे आया है, कोई प्यास लगी, जाएं जाके ठंडा पानी लेकर। कोई शौहर की फिक्र है आपको? नहीं है फिक्र, नाज किसी और के उठा, खिदमतें मुझसे करवाते, नहीं है मेरा रिश्ता आपसे कोई। तुम क्या बैठी देख रही हो, उठो तुम जाके पानी पिलाओ मुझे। मैं? हाँ तो और कौन, अब तुम मेरी बीवी हो, शौहर की खिदमत करोगी तो जन्नत कमाओगी ना, उठो पानी पिलाओ। हाँ जी। मेहमानों की तरह तो नहीं रह सकती ना यहां, गिलास धो के और ठंडा पानी। शादी रचाने के लिए मेरा शौहर ही मिला। मेरी बात सुनो। निकलो यहाँ। नवीदा, हमारी बात सुने। नवीदा, निकलो यहाँ। नवीदा, मेरी बात, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ होश के नाखून ले, बेचारी की जान लेंगे क्या? खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाए, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है, अभी दो घड़ी हुए उसे घर में कदम रखे हुए, आपने कयामत बर्पा कर दी। दिल बड़ा कीजिए, अब यहीं पे रहना है। और याद रखिए, आप यहाँ उसी सूरत में रह सकती हैं जब ये भी यहाँ रहे, वरना मैं दोनों को यहाँ से चलता करके तीसरी ले आऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी तो तब आएगी ना जब ये यहाँ पे रहेगी, ये इस घर में नहीं रहेगी, कह दिया मैं, ये यहीं रहेगी। अरे अरे क्या हो रहा है ये? तुम अंदर चलो, इधर मुंह करो, अंदर चलो, शाबाश। और जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर नहीं निकलना, तुमने समझ आई? इस जाहिल औरत का तो बंदोबस्त मैं करता हूं ना, ये मेरा घर है और यहां वो होगा जो मैं चाहूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, समझ आई? तुम यहां क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, चलो जाओ अपना काम करो, फुट्टा खाओ यहां से। और वैसे भी मुफ्त में नहीं लाया हूं तुम्हें यहां, तुम्हारे अब्बा पे कर्जा था मेरा, अपनी मर्जी से निकाह किया है उसने, जाओ अपना काम करो, आगे देखो, चलिए आप अंदर चलिए, चलिए। चलें शाबाश, चलें।